अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों विंडोज़ 10 वैसे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी विंडो है, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करता रहा वो था इसका विंडोज़ डिफेंडर, जिसके होते हुए मैं ना तो विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी एसेंशियल कर सकता था और ना ही वायरसेस को क्लीन कर सकता था, जिसकी वजह से वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन रेड रहती थी। तो उससे मैंने कैसे छुटकारा हासिल किया? बिल्कुल विंडोज 7 के जैसे फाइल हिपो में सर्च बार में टाइप करिए 360 सिक्योरिटी और सर्च करें, और फर्स्ट ऑप्शन इसको डाउनलोड कर लें और इंस्टॉल कर लें। तो जब आप 360 टोटल सिक्योरिटी प्रीमियम को इंस्टॉल करेंगे तो ध्यान में रखिए कि फर्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगी कि आपने सेकंड ब्राउज़र इंस्टॉल करना है या नहीं, तो आप उसको अनचेक कर देना। उसके बाद कामयाबी से इंस्टॉलेशन करके एक दफ़ा कंप्यूटर को क्विक स्कैन की मदद से स्कैन कर लें और सिस्टम को रीस्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह विंडोज़ डिफेंडर के नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे और वायरस प्रोटेक्शन भी आपकी क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो प्रॉब्लम जो कि मेरे साथ पेश आई, मे बी दूसरे भाइयों को भी यही मसला दरपेश हो। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।